ग्यारह मुखी हनुमान, हनुमान का रौद्र रूप। हाँ प्रिय, सर्वशक्तिमान, देवताओं में सर्वोच्च शक्ति है हनुमान। सबके संकट हरने वाले, संकट मोचन महाबली हनुमान का ये ग्यारह मुख वाला पूर्ण रुद्र रूप ही उनके ब्रह्म रूप होने का प्रमाण है, जिनमें महादेव शिव की महाशक्तियां नेत हैं। तो विष्णु देव के नरसिंह वरा के साथ कल्पांतर से श्री राम और मेरी शक्तियां भी समाई हैं। हनुमान भक्त श्रेष्ठ हैं, तो सर्वशक्ति संपन्न ब्रह्म भी हैं, जिनके स्मरण मात्र से ही सभी बाधाओं का अंत हो जाता है। उन्हें बाधित करने की इच्छा से ही आया है रावण। वानर रावण को चुनौती देता है। मेरी गदा का प्रहार आपकी गदा नहीं संभाल पाएगी रावण। इन दोनों महाशक्तियों के टकराव से तो महाविनाश होने की आशंका दिखाई दे रही है। क्या हुआ दशानंद की कुंडली पढ़कर आप इतने चिंतित क्यों हो गए? आज का दिन रावण पर बहुत भारी है कैकसी। उसकी कुंडली में मृत्यु योग बन रहा है आज। तो अनर्थ अवश्य हुआ है। ये तो दशानंद की गदा की ध्वनि थी स्वामी। उसका उस वानर बालक से युद्ध हो रहा होगा जिसने कुंभकर्ण को यहाँ गिराया था। मृत्यु योग का संकट मंडरा रहा है इसके सिर पर। नारायण के स्थान पर यदि इस वानर ने रावण का वध कर दिया तो अनर्थ हो जाएगा। लगता है मुझे वहां जाना होगा। आप किस सोच में डूब गए हैं स्वामी? रावण संकट में है कैकसी। तुमने उसे वहां जाने से रोका क्यों नहीं? मैंने उसे बताया था अभी समय अनुकूल नहीं है, फिर भी वो चला गया। किंतु उसने दैत्य गुरु शुक्राचार्य का सिद्ध किया हुआ सुरक्षा कवच पहना है, उसे कुछ नहीं होगा स्वामी। माँ क्या कह रही हैं अंजना? ग्रहों की शांति के लिए तो हमने यज्ञ करवा दिया, किंतु हनुमान की कुशलता के लिए भी हमें कुछ करना चाहिए। कीर्तन करने के लिए कह रही हैं माँ। इसका अर्थ है कि नानी ने अभी तक कुछ नहीं बताया।
हमें हनुमान की कुशलता के लिए कीर्तन करना होगा। न जाने कौन सी विपदा का सामना कर रहा होगा हमारा पुत्र। अच्छा, मैं लेकर आता हूं हनुमान की वो अद्भुत गदा। तुम मां के साथ कीर्तन की व्यवस्था करवाओ। बलबला बलबल, बलबला बलबल। तो अब नानी भी इसका साथ दे रही है, किंतु अब जो मैं करूंगा मार्जरी का, उसमें किसी का भी साथ तुम्हें नहीं बचा पाएगा, नहीं बचा पाएगा। बलबला बलबल। रावण, मेरे इस पन्ना अस्त्र से नहीं बच पाओगे तुम। मेरा मन इतना व्याकुल हो रहा है, लगता है मेरा पुत्र हनुमान संकट में। मेरे पुत्र की रक्षा कर। बलबला बलबल, बलबला बलबल। तुमने फिर से यहाँ आने का दुस्साहस किया। लगता है तुम्हारी मृत्यु मेरे ही हाथों लिखी है। मृत्यु? मृत्यु तो निश्चित है, किंतु मेरी नहीं, सुमेरु की महारानी की, और वो भी सुमेरु के महाराज के हाथों। बलबला बलबल, बलबला बलबल। बलबला बलबल, बलबला बलबल। तुमने लंकेश की आज्ञा का उल्लंघन तो कर दिया, किंतु राजमाता केकटी का ये चमत्कारी जल तुम्हारी सच्चाई सबके सामने ला देगा। अति बल मार्जरीका। अब तुम मात्र मार्जरीका हो, एक पहर तक तुम अंजना नहीं बन पाओगी। बलबला बलबल, बलबला बलबल। अब मैं केसरी को यहां बुलाऊंगा। ये रही वो दिव्य गदा। बलबला बलबल, अति बल। बलबला बलबल, अति बल। ये ध्वनि कैसी? ये तो अंजना के कक्ष से आ रही है। छोड़ूंगी नहीं मैं तुझे, अंत कर दूंगी तेरा। मेरी छोड़ो मार्जरीका, अपनी सोचो। वो देख, वो केसरी आ रहा है तुम्हारा अंत करने। बलबला बलबल। अब तो तुम सुमेरु से भी गई और लंका से भी। बलबला बलबल। मृत्यु से भय नहीं लगता अतिबल, उससे अधिक दंड और दे भी जा सकते हैं मुझे केसरी जी।
दुख तो इस बात का है कि माँ का सम्मान देने वाले हनुमान को दिया वचन मैं पूरा नहीं कर पाऊंगी। पुत्र, माँ, अंजना के कक्ष से ये ध्वनि कैसी? वो भूकंप से कोई सामान गिरा होगा। आप वो सब छोड़िए, शीघ्र चलकर कीर्तन की घोषणा करेंगे। किंतु अब चलिए। मुझे तो माँ ने बचा लिया, पर अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। ये दोष तो फिर बच गया, इसे तुम्हें बाद में देखना। पहले तो मुझे एक पहर तक सबकी दृष्टि से बचना होगा, जब तक इस चमत्कारी जल का प्रभाव समाप्त ना हो जाए। किसी तरह हनुमान के आने तक सब संभला रहे। आज तो स्वतः ही मेरा भेद भूल जाता, फिर भी आपने मुझे क्यों बचाया? एक तो तुम्हारे कर्म जो तुम हम सबके हित में कर रही हो, दूसरा ये कि मैं नहीं चाहती तुम्हारा भेद खुलने से महाराज केसरी को इस संकट की घड़ी में किसी प्रकार का धक्का लगे और सुमेरु की सुरक्षा से उनका ध्यान भटके। इसलिए हनुमान ने भी मुझे अंजना बनकर यही रहने के लिए कहा था। आपका धन्यवाद, आपने मुझे बचा लिया। बल बला बल 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 बला बल बल, अब तक बचाएगी ये तुम्हें, अब तो तुम्हें सामने आना ही पड़ेगा। बल बला बल बल, क्योंकि केसरी को फंसा दिया है मैंने। बल बला बल बल। अतिबल, जब तक मैं यहाँ हूँ तब तक कोई उनका हित नहीं कर सकता है। अच्छा। तो सुनो सुनो अपने भाई बंधुओं के हंसने की ध्वनि। दीपल, तुम्हें तो मैं बाद में दिख लूंगी। तेरा पनाघास्त्र तो विफल हो गया, तो जवानर मेरी देह को तो छू भी नहीं सकते तेरे ये अस्त्र शस्त्र। तेरे सारे वार तो संसार के लिए ही अनर्थकारी बन गए हैं, देख ले अपने नेत्रों से। केसरी, हम राक्षसों से बचना आज तुम्हारे लिए संभव नहीं है। केसरी, अब ना तुम स्वयं को बचा पाओगे ना ही सुमेरु को। ये तुम लोगों का भ्रम है राक्षसों, तुम लोग यहां से जीवित नहीं जा पाओगे। अच्छा, तो राक्षसों के साथ राक्षसी भी आई है इस बार। मेरे रहते इनका कोई अहित नहीं कर सकता।
अब दिखाता हूँ तुम्हें केसरी का बल। राक्षसी होकर राक्षसों के विरुद्ध लड़ रही हो? लंकेश तुम्हें मृत्यु दंड देंगे। मुझे मृत्यु से कोई भय नहीं। मुझ पे और सुमेरु पर आक्रमण करने आए थे तुम लोग? केसरी जी, आप ठीक तो हैं? हाँ माँ। आप कौन हैं जो राक्षसी होने के बाद भी मेरी सहायता की? ये कहीं केसरी के सामने भेद न खोल दे। रुक क्यों गया हनुमान? कोई और अस्त्र शस्त्र कोई और शक्ति चला कर देख लो, देखो ना। तुच्छ वानर बालक हनुमान, तेरे तो दिव्य तीर भी मेरे सामने व्यर्थ हो गए। देख कैसे मचा रहे हैं प्रलय पूरी सृष्टि में। ये प्रकाश पुंज कैसा है? ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। हनुमत रावण पर करे प्रहार, गूंजे गगन में अस्त्र टंकार। हुआ प्रारंभ युद्ध प्रचंड, हनुमत देते दंभी को दंड। प्रबल प्रतापी शक्तिमान, लक्ष्य से हटाते नहीं ध्यान। राम भक्त अतुलित है बलवान, अतुलित योद्धा है हनुमान। नहीं, नहीं, नहीं हो सकता। क्या करने लगे हनुमान? रावण का वध तो प्रभु नारायण के नर अवतार द्वारा ही होना चाहिए, क्योंकि रावण के साथ ही सहस्त्रों असुरों का वध होना है, तभी तो पृथ्वी का भार उतरेगा। कहीं रुद्र रूप में हनुमान अभी ही रावण का वध करके अनर्थ ना कर बैठे। नारायण नारायण। यदि विष्णुदेव के नर अवतार का उद्देश्य ही समाप्त हो गया तो यह अपमान होगा उनका।